पूरा देश हमारा भी आज शोक में है, क्योंकि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज शाम निधन हो गया। वो 84 वर्ष के थे। प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी दिल्ली में सेना के अस्पताल में भर्ती थे। यहाँ उन्हें 10 अगस्त को भर्ती कराया गया था और आज दिन में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें लगातार वेंटिलेटर पर रखा गया था। कल दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किए जाने की उम्मीद है। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। केंद्र सरकार ने उनके निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि उनका जाना एक युग की समाप्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि प्रणब मुखर्जी का जाना मेरे लिए एक निजी क्षति है। प्रधानमंत्री ने प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी कई तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। प्रणब मुखर्जी वर्ष 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति थे। उनका राजनीतिक जीवन 40 सालों से भी ज़्यादा लंबा रहा। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश मंत्रालय से लेकर रक्षा, वित्त और वाणिज्य मंत्रालय तक में भूमिका निभाई है। इसके अलावा वो ढेरों संसदीय समितियों की जिम्मेदारी भी निभाते रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में उनकी भूमिका एक संकट मोचक की थी। इस दौरान वो कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार और गांधी परिवार के सबसे बड़े, सबसे करीबियों में से रहे हैं और सबसे बड़े राजदारों में से एक रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपनी गरिमा को हमेशा बरकरार रखा। जुलाई 2012 में जब वो राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किए गए थे और जब ये तय हो गया था कि वही अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तब मैंने उनसे एक बातचीत की थी। आज उस बातचीत के कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। आपने अपर डिविजनल क्लर्क से शुरुआत की, आप कॉलेज में पढ़ाया भी आपने, आप जर्नलिस्ट भी रहे, उसके बाद पॉलिटिक्स के सबसे नीचे के लेवल से उठकर और आज सबसे ऊपर तक जाकर, कभी आपने सोचा था कि आप इतना लंबा सफ़र कभी तय करेंगे? आज आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, क्या भावनाएँ हैं आज आपकी? नो, मैं आपको ये कहूँगा, जो मैं जो पार्लियामेंट का मेंबर चुन के आया 1969 में, वो भी मंथ ऑफ जुलाई था, तो एक्सेप्ट ए शॉर्ट गैप देर वॉज ए कंटिन्यूटी ऑफ माई मेंबरशिप, 5 टर्म्स इन राज्यसभा एंड 2 टर्म्स इन लोकसभा। ट्वाइस आई हैव बीन इलेक्टेड। सेकेंड टर्म कुड नॉट बी कम्प्लीटेड इफ आई एम इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ऑटोमेटिकली माई मेंबरशिप ऑफ लोकसभा विल ऑल्सो टर्मिनेट साइमल्टेनियसली। यही कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है। तो मुझे मौका मिला, मैं ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ, जो इंदिरा जी मुझे पहले मंत्रिमंडल में शामिल किए थी, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर, कॉमर्स, स्टील एंड माइंस, फिनांस, सभी इम्पोर्टेंट दफ्तर में काम करने का मौका मिला, सभी कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस प्रेसिडेंट का नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला। तो लेकिन मैं कभी सोचा नहीं कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। द वे कांग्रेस प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन ऑफ UPA एंड ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट वन, ऑल पार्टनर्स ऑफ UPA, दे वेलकम्ड मी। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड एंड मुझे ऐसा ही लगा कि मुझे जो मिला हमारे कोलीग से, हमारी पार्टी के कोलीग से, UPA के कोलीग से, हमारी पार्टी का बाहर, UPA का बाहर जो लोग हमारे प्रतिपक्ष में है, उनका नेता से भी मुझे जो कुछ मिला, मैं बहुत कुछ पाया उनसे। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कितना दिया, लेकिन मैं पाया बहुत कुछ पाया। आप कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं, आपने अलग अलग ज़माने देखे हैं, आपने इंदिरा गांधी का ज़माना देखा, राजीव गांधी का ज़माना देखा, नरसिम्हा राव, उसके बाद सोनिया जी का ज़माना देखा, अलग अलग कांग्रेस प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया। यू आर लाइक अ स्ट्रॉन्ग रूम ऑफ कांग्रेस, वो स्ट्रॉन्ग रूम जिसके अंदर इतने सारे राज, इतने सारे सीक्रेट्स उसके अंदर दफन हैं। यानी जितने सीक्रेट्स और जितने राज आपको पता होंगे, शायद किसी को पता नहीं होंगे। तो और आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि उस स्ट्रॉन्ग रूम से कभी कोई राज बाहर नहीं आया। ये तो बाहर हो नहीं सकता, क्योंकि ये आपका जिम्मेदारी है। If you are privy to information, if you are privy to the
decisions which can be publicly disclosed, always it is publicly disclosed. जो आप बता सकता है वो तो आप बता रहा है आज का दिन में, लेकिन ऐसा कुछ डिसीजन है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन लोगों को साथ ही रहेंगी। इंग्लैंड का एक प्राइम मिनिस्टर और एक सीनियर पॉलिटिशियन ने बताया कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो लोग खास करके सरकार में काम कर रहा है जो कभी बाहर नहीं आएंगे, वो उनको साथ बेरियल ग्राउंड में जाएंगे और हमारा सिस्टम में इट विल बी बर्न्ड विद द पर्सन कंसर्न, क्योंकि ये ही होना चाहिए, ये काम करने का तरीका होता है। तो इसलिए हमने सही कहा, मुझे मौका मिला इंदिरा जी के लेकर सभी कांग्रेस प्रेसिडेंट का जमाना में मुझे कांग्रेस का जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर के रूप से मुझे काम करने का मौका मिला। इंदिरा जी मुझे 78 में वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर नॉमिनेट किया, उसके बाद लगातार एक्सेप्ट ए फ्यू ईयर्स गैप बिटवीन 86 to 90 इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे सीताराम केसरी हो, चाहे सोनिया जी हो, टिल द लास्ट डे व्हेन सोनिया जी गेव मी द फेयरवेल इन वर्किंग कमिटी एंड इट वॉज रियली ए टचिंग सीन। I was the member of the Congress Working Committee, so I was privy to every decision taken by the highest policy-making body of the Congress, which could be disclosed, which could be publicly told, it has been told, which could not be told, it will never be told. कुछ जानकारियां आपके पास ऐसे भी होंगी दादा जिससे अगर वो बाहर आ जाएं तो देश हिल जाएगा, लोग हैरान हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं, किताब लिखते हैं, उसके अंदर वो सारी जानकारियां वो दे देते हैं, लेकिन आप एक ऐसे नेता रहे जिसने कभी भी एक भी जानकारी, कोई भी राज बाहर नहीं आने दिया, और इसीलिए दो चीज़ें, आप इंडिस्पेंसिबल थे और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिला। नो, मैं ये मांगता हूँ, ये मेरा फिलोसफी है, जो बाहर नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैंने एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन को कोट किया, ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है इफ़ समबडी बी इन द गवर्नमेंट का और हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द पार्टी, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा होना हो सकता जो इन्फॉर्मेशन बाहर आना नहीं चाहिए, तो बाहर नहीं आएंगे, मैं कभी नहीं बाहर करूँगा, पब्लिसाइज नहीं करूँगा। आप स्ट्रॉन्ग रूम हैं, आप बहुत मजबूत हैं, आपके अंदर से जानकारी कभी बाहर नहीं आ सकती, ये मुझे पता है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग टू गेट इन टू योर हार्ट। आपसे एक ईमानदारी से ये जानना चाहता हूँ, कभी आपका भी दिल टूटा, कभी आपको भी ऐसा लगा कि अब मैं राजनीति मुझे छोड़ देनी चाहिए, या आप जिस मुकाम के बारे में सोच रहे थे उस मुकाम तक आप नहीं पहुंचेंगे, कभी आपको ऐसा लगा लाइफ? ऐसे नहीं लगा, लेकिन राजनीति का लाइफ में कभी कभी ये ऐसा कहा जाता है, कभी घोड़े का सिर पर, कभी घोड़े का खुर पर, तो ये तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का लाइफ में इट इज़ द रियलिटी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये तीन शख्सियत आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, इन तीनों में से आप आज जहां पर आप हैं किसको सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगे आप? इंदिरा गांधी बिल्ट मी अप फ्रॉम नथिंग, शी वाज माय मेंटर। थैंक यू सो मच दादा, ऑल द बेस्ट, वी विश यू ऑल द बेस्ट, और किसी दिन राष्ट्रपति भवन में आपके साथ चाय पिएंगे। एंड माय बेस्ट विशेस टू द व्यूअर्स ऑफ योर चैनल, एंड बिल्कुल राष्ट्रपति भवन में हम लोग एक साथ चाय पिएंगे। थैंक यू दादा, थैंक यू, थैंक्स। ये इंटरव्यू उनके राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले का था, जब यह तय हो गया था कि वही देश के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और प्रणब मुखर्जी की सबसे खास बात यह है, मैंने उनसे ये पूछने की भी कोशिश की और वो ये भी बता रहे थे, वो जानते थे राजनीति में, जैसा भी आपने सुना, कभी घोड़े के सिर पर और कभी घोड़े के खुर पर, यानी कभी ऊपर और कभी नीचे, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने कभी भी हार नहीं मानी। दो बार कम से कम ऐसा हुआ जब वो प्रधानमंत्री पद के बहुत करीब पहुंच गए, पूरा देश ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि जब यूपीए की सरकार बनेगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान हुआ देश को बहुत हैरानी हुई थी, और शायद प्रणब मुखर्जी को भी बहुत हैरानी हुई होगी, क्योंकि लोग यही मानकर चल रहे थे कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे।